अरे हमारा यहाँ बाहुकन में और नैरितकन में जो लड़ता था ना, वो चौकिया रहता था। कोई बिच्छुती जो है ना चरित्र का खेद बिच्छुती हो जाए तो मार 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 भी देखता तो अरे चूर मुठी करो मार 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 म
कोई शूद्र आ गया, बहुत खाता है, उल्टा पलटा बात करता है, तो माँ 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 कर चूल्हे झांक दो मारता है। ओ माता दा बोले एक पत्ता आखिरी रह गया, उसके बाद तुम जो चाहे वो खिलाओ। तो वो बोला राजकर से बात करो। अरे तू खा लेना, बोल तू दवाई दीजा। तो वो टका मांग रहा है, तो मांगा दे टका दे देगा। बोले आखिरी पत्ता के बाद में तू कुछ भी खा। हाँ ठीक है, आखिरी पत्ता खाए। आखिरी पत्ता वो तो उसको माँ 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 के मानता। ओ फिर उसके बाद हमारा माँ मध्य मध्य जो पड़ाव होता है वो वाला भाई का क्या हो जाता है। उसके बाद हम लोग ईशान का मिल रहे थे, हाँ हरदे तो पूर्व पड़ा है क्या ईशान बिल्कुल ना ईशान का मिल रहा था, तो उसको छेटे करते सभ्यता भी होता है। माँ माटी मान स्कूल थी, अरे माँ माटी मानी माटी कितना होता है ना, माटी के साथ मिला है, माटी को अंदर भेद करने का पहाड़ होता है ना, जो ओरिजिनल बेस्ट कल्चर तुम्हारे इस माटी में कितना पुराना युग का कल्चर का आदमी का संस्कृति मिला हुआ, उसको माँ माटी मानस कहा जाता है। वो माँ को पहचानो, उसको माटी को पहचानो, उसको बाद मानस को पहचानो। और चुदुर बुद्धि तुझे अरब कल्चर ले आया, चुदु महारानी इम्पोस्टर चीटर लायर बिट्रेयर शोर के बच्चा मृत्यु असभ्य बोल बोल कुत्ते कामिने खानते माता चोट बैल चोट सुबोध चोट वो बच्चा जिसको काल्ट भालाई चूर महाराज मोदी गुजराती गाधा, गुजराती गाधा बेकूफ पता। लेकिन आज जो संस्कृति वो विष्णुपुरम देश का जो संस्कृति होता है वहाँ पे एक थप्पड़ मारेगा तुमको झूठा कहेगा तो सारा का गाल फाड़ देगा, और निर्लज होगा तो उसको गर्म तेल पीठ में डाल के कसाई चाबुक मारेगा, चाबुक मार 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 के सारा को ये करता संबित बना देगा। झूठा बात कहेगा निर्लज बहा है, कुछ अलग से बात कहोगे तो इतना गुस्सा रहता, किसी का अन्न नहीं खाता, एक का भी ज्यादातर नहीं खाता, एक का जब दुर्भाग्य कोई हो जाए तो सात गुणी लोगों से ना तो अपना आराम से उपवास करो, पत्ता खाओ, वीक्षा का कोई सारा राज गुणी राक्षस महाराणी कोई साला अन्न नहीं खाना होता, नहीं खाता कोई किसी का ताबेदारी नायबगिरी नहीं होता। जो ब्राह्मण है मंत्री ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव उनको सेवा करते, वृद्ध ज्ञान धर्मस्वमूलम सुखम और सुखस्वमूलम धर्म, धर्मस्वमूलम सुखम, सुख से धर्म मिलता है। पहले अपना मन को सुखी करो, कोई भोग के लिए पीछे नहीं कर भागो, शांति बनाओ। अरे सारे भोग को तुम जो मन से घृणा करो, कोई बहादुरी भोग दे कोई तब तुम्हारा शांति आ जाए। किसी का धन संपत्ति तुम देखो ही मत, तुम्हें किसी को बड़ा तुम देखो ही मत, किसी का दर्प होकर चुप कर रहा है सारा झूठा बेवकूफ करके, तो मन में तुम सुखी हो जाए। तो सुखस्व मूलम धर्म और धर्मस्व मूलम सुख, दोनों तरफ से जब तुम एक बार धर्म तुम पहले सुखी हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकल धर्म ज्ञान आएगा, एक बार धर्म ज्ञान हो गया तो उल्टा तरफ से फिर घूम के वो सुख आने लगेगा। तो सुख धर्म धर्म सुख करते करते जो ये जो हमारे ये इतना ज्ञान है कि देखना हमको कैसे कई जरा सावधान हो जाए जल्दी बड़ा सब ले जा ठीक है भी हमको ये कैसे तीन सौ ज्ञान करने तो जोड़ा भी ये कैसे तो ऐसे थोड़ा विवाद कह लेते हैं देसी के चारों तरफ मिट्टी के तरफ, तो बड़ा गंदा आदमी आई थी मिट्टी के नीचे, तो मिट्टी के अंदर भेद करने के पावर जिसको उसको ग्रेविटी कहा जाता है, तो वो तो योग पावर से होता है। जो माया योग माया जो ब्रह्म बहुत बड़ा बड़ा लेंथ मतलब रेड बाहर में रहता, उसको तोड़ तोड़ के छटा में कॉस्मिक रे में आना पड़ता है। तो कॉस्मिक रे में जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों का होता है, तो रेड को पहले
जो मागी लोगों से वो चूद गुद का मॉल से सब चुदुर बुदुर जो कर रहे हैं ना आजकल गुदो मॉल से व्यभिचारी चुरी चारी प्रश्रय देते भलगाड़ी जिम नैंगटा जिम चुरी जिम और मागी वो नष्टों के बेसा का नैंगटा चुद मान लो वो चुदु मॉल अदृश्य मॉल होता तो वो मॉल को अपना गाय में माँग के मनो में माँग के देव में माँग के सारे चुदुर बुदुर कर रहा है। ये जो माया होता माया मतलब ये ओस्ट कॉस्मिक पावरफुल स्मॉलेस्ट थिनेस्ट जो थिंक होता है और फाइनेस्ट ऑल परवेडिंग वेव होता है जो ऑसिलेट कर रहा है दूसरे किसी को पता नहीं आ पाएगा जो उतना लेवल में अपना माइंड को चालना करे शरीर को ले जाए परफोरेट करके परवेट करके ऑसिलेट करने के पावर हो ऑसिलेटिंग पावर हो वाइब्रेटिंग पावर हो जिसका सबके अंदर से घूम सकता है इसको अंतर्जामी कहा जाता है। तो सुखस्व मूलम धर्म धर्मस्व मूलम विनय विनयस्व मूलम इंद्रजय इंद्रजय अच्छा ना अच्छा धर्मस्व मूलम अर्थम जब तुमको धर्म बोध आ जाए धर्म किस कारण करना है और धर्म में शास्त्र मतलब शास्त्र पढ़ के जो अर्थ होता है उसको अर्थ ज्ञान होता है तो अर्थ ज्ञान एक बार हो जाए तो तुम जो ऑटोमेटिकली इंद्रजय करने का प्रयोजन बोध करेगा। एक बार इंद्रजय हो जाए तो तुम इंद्र संयम मतलब लोक तुम्हारा पूरा चल जाए देह का अहंकार पूरा नाश हो जाए तब तुम ग्रेजुअली अपना को ग्रेविटी मतलब मन शांत है जिससे ऑटोमेटिकली वो डीप हो जाएगा मतलब सिंक इन द आर्थ इन आर मन डूब जाएगा तो गभीर में ऑटोमेटिकली वो सेटल जैसे सेटल हो जाए ना धूलि वाली वो तो अंदर गिर जाता है तो उसको अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तब इंद्रिय एक बार समझम हो जाए तो तुम विनयी बन जाओगे मतलब विनयी मतलब और ज़्यादा नम्र होते होते तुम मिट्टी के अंदर घुस सकते हैं इसको मिट्टी कहते हैं माँ माटी मानुष तो माँ का भी मिट्टी का और ओरिजिनल जो जो नीचे जो सांस्कृतिक कल्ट रखा हुआ है उसको उद्धार करना पड़ता है वो मेमोरी इसको कहते हैं जो करोगे जो नहीं करोगे इसका जो स्थिति जिसको ये करने का पावर आ जाता है स्थिति खुला तो उसको खुल 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 के पुराना लोगों का स्थिति को कल्ट को अपनाना पड़ता है। कुछ भी बच्चा ऐसा न हो अपना भूमि में जिस भूमि में आया है उस देश में लोग किस तरह खाते थे क्या बोलते थे क्या सुनते थे क्या व्यवहार करते थे क्या ज्ञान की बात करते थे किस तरह का रहते थे सारे को जिसको जानना पड़ेगा उस इंट्यूशन कर 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 करके उसको तो खुल जाता है उसको सिटी खोलने के बाद जो है ना तो माँ माटी मानुष का जिस भूमि में आयो उस माटी का क्या नहीं करता कोई छोटी बच्चा भारत से अमेरिका गया जिसमें बस बस शैतान कमी कुत्ते मदद चुट खानती सोरे बच्चा कैनिबल्स मैनेजर ओल्स एक्सेट्रा एन डीएस और एनआईमी सूची और वेरी रॉन्ग एटीट्यूड एरोगेंट छोटी बच्चा रहता तो उसमें आप ऑटोमेटिकली जाकर तो तुम्हें पूरा लॉस हो जाता है तो उसी मट्टी में फिर तुम्हारा बॉडी जो है रैप्ट होकर है तो रैप्ट हो गए फिर बच्चा बन जाते तो इंडिया में जो है ना माँ माटी मानो अगर ये अटल बिहारी और श्यामा प्रसाद वो अटल बिहारी के पहले श्यामा प्रसाद जो भी मुखाजी वही तो मुखाजी मुख्य जो होते थे तो वो आशुतोष मुखाजी हुआ करता था रविन्द्रनाथ टैगोर का जो भी ज्ञान और बंकिम चटर्जी का जो भी लोग सब महा महोपाध्याय जी लोग होते थे दीपंकर दीपंकर और जिसमें कि आपका भी जो शास्त्र लिखा है तो अश्वघोष न्यूज के बीच में एक और शैलभद्र शैलभद्र जिसका चरित्र इतना भद्र भद्रा भयवाद्र होता भगवान के विष्णु का चरित्र राम का चरित्र कृष्ण बुद्ध आदि के चरित्र को संकलन उनका योग ध्यान का उपवास आदि इसको ध्यान करते करते उनको जिस तरह का जैसे शील कोई निंदनीय शील जैसे अटकना मतलब अर्जुन व्याप्त ना हो मन को प्रभावित ना कर सकता जैसे सिलवन शील वक्र होता है बंगाल में तो उसी का एक किताब है विनायक त्रिपिटक मतलब विनय बनने के लिए जो जो करना पड़ता है भगवान बुद्ध के वही नियम विनय बन मतलब मिट्टी के माटी का स्वभाव बने तो माटी का तुम चित्र बच्चे अरब का माटी लेके जरा भाड़ा तुम्हारा नहीं बच्चा अमित शाह क्या वो कामिनी कुत्ते
नहीं तो इतना बर्बर टीएमसी सीपीएम के तरफ बर्बर नीति में खून खराब करना मुसलमान काल ऐसे नहीं कर सकता। एक एक थप्पड़ में चूल पकड़ के गर्दन भेद करके आंख फोड़ दिया जीवा निकल जाएगा, दांत तोड़ दिया जाएगा, टांग उखाड़ दिया जाएगा। एक भी बात सत्ता से डेविएट करेगा, जानबूझ के सत्ता से डेविएट करेगा, इन आर कॉन्शंस को डिफाई करेगा, तो उसको तुरंत जो है ना गला मुख तोड़ दिया जाएगा बात करने के लिए। यह और कौन नीति था, इसको आर्जनीति और कौन नीति मोनी नीति इतना भयंकर प्राण का कोई बात ही नहीं है। मनुष्य के भोग करने का बड़ा नीति होता है, जो इस तरह का देहो मौन बना के जो भी बनता है वो इसको बलवान बढ़ा जाता है। तो इसमें जिस तरह भी तो पहले तो जीवन में खत्रिय था, क्षत्रिय रहता था, उसमें राज करता था, उग्र भाव आता था शासन करने के लिए, ब्रह्म नहीं हो पाता था, मतलब शांत जो विनय विनयेष्ट जिसमें सर्वशक्ति विराज करता जो गाभी में सबरी में सबरी में और जो दिया सबरी, तो उसने अंदर सारे जो कुछ चीज मिला वो मिट्टी के नीचे से भरा से मारा पृथा से सब कुछ लेके पूरा खिला सकता था, रस गुला सकता था, तीनों रासक ज्ञान उनको रस को गुलाब गुलाब करते थे। ये लोग खच्चर मादी लोग इसको से बर्बाद करते और जो करना होता है वो परम सहकारी उसी तरह से नम्र देह शुद्धि मन शुद्धि आर्य संस्कृति में अपने को रखा था। तो नारी और कन्या में कन्या और पुत्र में तो भेद तो नहीं होता, मतलब कभी कभी जीवन का इच्छा के अनुसार और कर्म के इधर उधर करने में कोई नारी को घृणा करे तो नारी होना पड़ता है, पुरुष को ये किया तो फिर नारी होना पड़ता है, इस तरह का उल्टा पुल्टा जो भी चीज आकांक्षा उससे होता है। नहीं तो परमानेंट कोई पुरुष तो नारी नहीं, ममता बनर्जी आज वो नारी है काल पुरुष नहीं था ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये सब छुटी महारानी छुटी पोना हम बिल्कुल पसंद नहीं कर, हम झूठी पकड़ के टूटी पकड़ के एरियन जब गद्दार राक्षस जब मिथ्याचार करता है जब मिथ्या बोलता है हम उसको टांग तोड़ लेंगे। मागी खच्चर मागी बोलिए मागी बच्चा सद्राणी आर जो महाजाति सदन में कभी चला रहे तक पूजित कदरित आदरणीय नहीं हो सकता। पात्र भी सुन ले और मैं ये किसी दूसरे को ब्लू हेल का चलता रहा हूँ जो सुदूर गुदूर करता है मिट्टी के नीचे से जो अभी मैं जिसके परेशान हूँ और जिस परेशान के लिए जरा जरा ही धर्म सभ्यानी भगवती हमारा भारत साधु जनता निधन हो चुका है और भारत वर्ष में धर्मों को व्याख्या करने के लिए धर्म धारण सत्य भाषक सत्य चीज को जानने के लिए जिनके पास क्षमता नहीं है हिंदू से हिंदू अरु और से अरुण से आर्य मनु से मानव मनु संस्कृति मनु का धर्म नीति से मानव कहा जाता है और वो मानव ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी जो भी कहो उमा नीति वो लोग उमा नीति कहता है ह्यूमैनिटी को उमा नीति कहता है और मनु अपन उमा के बेटा है मनु तो राजा राम भी उमा के बेटा है कृष्ण भी बेटा है विष्णु भी बेटा है और अदिति माँ जब विष्णु का भी अवतार लेते हैं माँ दुर्गा के बच्चा खड़ा तो दुर्गा जैसे नारी छोड़ के दूसरा गर्भ में जन्म नहीं लेता है क्योंकि उनको वो विद्या नहीं मिलता है। ये सब विद्या तुम लोग नहीं जानते हो और कौन थी महाजाति सदन आर्य इंदु भारतीय कैसे माँ सरस्वती को भारती कहा जाता है इला को भारती कहा जाता है इला कौन है और इला से अल्लाह उन मर्को उनु रोम से रोमान रोमादी जो कुछ भी सारा विश्व में महाभारत है भारत के बाहर को महाभारत कहा जाता है। ईशा ईशा के वासस्थान एशिया बहुत सारे चीज है जो दूर करके मेरा जो बात है कि संस्कृति को तुम्हारा वंग संस्कृति या विद्वान संस्कृति जो भी अच्छा सुधि सम्पन्न सत्निष्ठ है बीजेपी मन सम्पन्न भारतीय संस्कृति मन सम्पन्न कोई चुदुर बुदुर आरबीय संस्कृत के श्रद्धा करे उस चुदुर बच्चा को बिल्कुल नहीं करना है श्रद्धा दिखाना नहीं है ना सुजोग देना है। जो पर भारत धर्म संस्कृति को छोड़ के त्याग करके अवमानना करके इसको
का पुरुष कामिने और मिथ्या कह के कोई दूसरा समस्ती को करे उसको गद्दार को मार मार के यहाँ से भगाना पड़ता है। कि जो मैं भयंकर वाणी कह रहा हूँ पास्तो चुदुर बुदुर मत करना, कोई सुदमारणी चुरीर बच्चा आज के दिन में भारत में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, मेरा बात को खंडन कर ले तू पकड़ के ले तू मेरा गर्दान ले सकता, लेकिन मैं तेरे को कल क्या बता गीत गोविंद तो सुन रखा पढ़ा रखा, कोई भी एक एक सुधीर बच्चा को गीत गोविंद चाणक्य श्लोक जो है ना तो मैं चाणक्य श्लोक को मैं दिखा देता हूँ। तू सुदमारणी बच्चा रहा कि चाणक्य श्लोक का कोई भी पंडित को उसे ये करना, कोई सुदमारण जो है ना मेरा वीडियो को नाश ना करे, कोई भी भारत के विश्व में कोई भी देश में कोई चुरीर बुजुर्ग का किसी का देश का इतिहास का ना हो, मेरा इतिहास से बाहर यदि कोई कह सकता है चुरीर बच्चे तो मेरा सिर ले सकता, लेकिन एक बार जो है ना मिथ्याचार करो तो व्यासदेव स्वयं गणेश जी को कहा था भूल लिख दिया तो तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा, तो इस तरह का जो है ना कोई गलती कर दिया तो मैं उसको जीव निकांग लूंगा। तो इसे देख लो जो भी बात है इसमें पढ़ सकता तो पढ़ लेना, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा वीडियो का नाश कर सकता है कोई मागी खच्चर मागी तो तुम्हारा ये बंगियो है जो व्यभिचारी कम्युनिस्ट मागी तो तुम्हारा नहीं होते।